हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलटेक। एंड तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो स्ट्रगलिंग यूट्यूबर है एंड जो नया यूट्यूबर है उसके काम के, ठीक है। जो अभी नया नया चैनल खोला है आपने, आपने खोला है, ठीक है, तो ये आपके काम की चीज है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब आप नया चैनल ओपन करते हो तो वहाँ स्टार्टिंग में कोई व्यूज नहीं आते, ठीक है, और मोस्ट ऑफ कम व्यूज आते हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं। अगर आप क्या फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर शेयर करके आपको फ्रेंड को वीडियो शेयर करते हो तो थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन इतना बहुत व्यूज नहीं आते कि आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूँ आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप स्ट्रगलिंग यूट्यूबर है उसके लिए है एंड अगर नया यूट्यूब चैनल खोला तो आपके लिए। तो वीडियो कैसे बनाना है, कौन से टॉपिक पे बनाना है उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट पहला टॉपिक उभर के आता है, वो है यहाँ पे मेकअप वीडियोज ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है। आप जो भी वीडियो बना रहे हो वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ठीक है। अगर आपका चैनल नया है तो ठीक है, आप बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप बनाओगे नया चैनल ओपन किया और पहला ही वीडियो बना दोगे कि हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, तो उस पर तो बहुत सारी वीडियो है एंड वो बहुत सारी वीडियो है वो रैंक कर गई है, ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ व्यूज है उस पर, ठीक है। तो आपका चैनल नया है, ठीक है, तो सब्सक्राइबर भी नहीं है तो व्यूज नहीं आएंगे, आपकी वीडियो रैंक नहीं करेंगी यार, डेफिनेटली उस पर व्यूज नहीं आएंगे, रेयरली 10 या 15 व्यूज आएंगे, उसके ज्यादा व्यूज नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है एंड सबसे पहले बनाना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग में है, कोई नया एप्लीकेशन आया है तो आपको तुरंत उस पर वीडियो बना देना है एंड सबसे पहले बनाना है। उससे क्या होता है कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक अभी ट्रेंड में है तो लोग यूट्यूब पे आके जज करते हैं कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में, तो आपने पहले वीडियो बना दी सबसे पहले, तो जब भी लोग जज करेंगे तो आपकी वीडियो, भले आपके सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है लेकिन आपके जो वो टॉपिक है उस पर वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल है तो ऑलरेडी वो जज करेंगे तो आपकी वीडियो वहां पे जज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे यूट्यूबर ने उस पर वीडियो नहीं बनाई तो आपने सबसे पहले बना दी तो डेफिनेटली आपकी वीडियो है वो रैंक करेगी एंड करेगी, ठीक है। तो आपको ट्रेंडिंग फर्स्ट पॉइंट है तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आपको ये तो हो गया कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अगर दो जगह से आप ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ढूंढ सकते हैं, एक तो है गूगल ट्रेंड एंड एक है ट्विटर ट्रेंड, ठीक है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ वो कैसे गूगल ट्रेंड पे कैसे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सा टॉपिक हो आपको कैसे बताना है, ठीक है, एंड कहाँ से ढूंढना है वो भी बताऊंगा एंड ट्विटर पे भी बता देता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है वो नीच मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस, मतलब आप जो भी वीडियो बना रहे हो उसके लिए आप ऑडियंस टारगेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन चैनल है तो एजुकेशन पे वीडियो बनाओ, गेमिंग चैनल है तो गेमिंग पे वीडियो बनाओ, न्यूज चैनल है तो न्यूज पे बनाओ, कॉमेडी चैनल है एंड एंटरटेनमेंट चैनल है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चैनल है, ठीक है, मतलब आप जिस चैनल है वो जिस फील्ड में आपने ओपन किए, मतलब ठीक है ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आप उस पर ही वीडियो बनाओ, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट के आपके चैनल खोल के रखिए तो गेमिंग का आप वीडियो डाल दोगे तो उस पर लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो मतलब आप एक नीच मार्केट बनाओ, ठीक है, जिस कैटेगरी के चैनल है उससे आप जोड़े रहो, ठीक है, तो आपकी चैनल जल्दी ग्रो होगी, क्योंकि आप कोई भी यूट्यूबर में क्या, यूट्यूब में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप टेक पे वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, टेक का नया रिव्यू करते हो, नया मोबाइल फोन का एंड नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हो, तो ठीक है, मतलब कोई भी फोन मार्केट में नहीं आया तो आपका जो सब्सक्राइबर हो वो जज करेंगे कि इस बंदे ने इस पे वीडियो डाली है कि नहीं, ठीक है, मतलब उसको पता है इसकी चैनल है वो टेक पे है, ठीक है, तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ पे जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको एक नीच मार्केटिंग बनाओ, एक टारगेट ऑडियंस करो कि आपको एक कैटेगरी है इस पे ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मतलब कीचड़ मत कर देना, एक टेक पे वीडियो बना दी, एक ब्यूटी पे वीडियो बना दी, एक वीलॉग बना दिया, मतलब इधर उधर से कोई भी वीडियो डाल मत दो, ठीक है, एक आपके चैनल है पार्टिकुलर कैटेगरी की रखो, ठीक है। अगर आप एजुकेशन में है तो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाओ, ठीक है, तो अगर एजुकेशन के चैनल है कहीं और टेक का वीडियो डाल दिया, गेमिंग का वीडियो डाल दिया तो बिल्कुल वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप सेकंड पॉइंट है नीच मार्केटिंग होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। सो फ्रेंड्स, थर्ड टॉपिक वो इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, आप जो भी वीडियो बनाओ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ठीक है,
एंड आप जब भी वीडियो बनाते हो तो आपको खुद को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं कि यार जल्दी में मैंने वीडियो शूट कर दिया और अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो व्यूवर्स है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, वरना क्या होगा, वो एक को आपके चैनल पे आ तो जाएगा, एक दो वीडियो देख भी लेगा लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करेगा एंड वो चले जाएंगे दूसरे चैनल पे। ठीक है, मतलब तो आप जो भी वीडियो बनाओ अच्छा इंटरेस्टिंग बनाओ एंड जो आपके व्यूअर्स है उसको भी बेनिफिट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि नहीं मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका टेक का चैनल है, ठीक है, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी है या तो कोई एप्लीकेशन हो गया उस पर वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, तो आपके व्यूअर्स है सब्सक्राइबर है उसको फायदा मिलना चाहिए कि नहीं भाई कि मैंने ये वीडियो देखी थी तो मुझे ये सीखने को मिला। ठीक है, लेकिन टेक में क्या होता है, बहुत सारे अभी अर्निंग एप्लीकेशन है, इतने कमाओ इतने कमाओ, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन सभी फेक होती है, कहीं से आपके व्यूअर्स है उसको कुछ मिलता रहे तो इसमें वो डिमोटिव हो गए और आपके चैनल पर दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया कि इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ, अच्छी तरह से उसका फॉर्मेटिंग करो एंड अपलोड करो एंड ट्रांजिशन लगाओ ऑल द थिंग। ठीक है, भले आप दो दिन में वीडियो बनाओ, ठीक है, एंड तीन दिन में बनाओ, लेकिन वीडियो की क्वालिटी सब मेंटेन करके रखो। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। सो फ्रेंड एंड फोर्थ पॉइंट है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, जब भी आप वीडियो बनाओ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको जो व्यूअर्स है उसको बेनिफिट होना ही चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव मतलब कुछ कुछ को सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो कि फास्ट कैसे लेना है, ठीक है, पैन कार्ड कैसे निकालना है, आधार कार्ड से वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे लिंक करना है, फिर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वीडियो है तो ऐसा भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप कुछ सिखाते हो, एजुकेशन है तो आप कोर्स में कुछ चैप्टर सिखाते हो, ठीक है, तो ये हो गया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, मतलब जो आपके व्यूअर्स है उसको कुछ ना कुछ आपको वीडियो से सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो तभी वो आपके साथ जोड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना है। ठीक है, आपको कहीं से भी, ठीक है, बढ़िया वाला इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको जो सब्सक्राइबर है जरूर आपको बढ़ेगा एंड व्यूज भी आ जाएंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ तो व्यूज भी आएंगे एंड आपकी वीडियो भी रैंक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आप बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, हाउ टू मेक थंबनेल, ठीक है, हाउ टू मेक ए चैनल आर्ट, ठीक है, हाउ टू इनेबल सुपर चैट एंड हाउ टू गेन फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे वीडियो बनाते हो कि दूसरे जो बंदे हैं उसके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है, उसको कुछ सीखने को मिलेंगे तो आपके चैनल जरूर ग्रो करेंगे एंड वॉच टाइम भी हो जाएंगे आपका एंड सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। ठीक है, एंड ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एंड फिफ्थ पॉइंट है वो कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करो। ठीक है, आप जिस पे चैनल बनाई है तो वीडियो आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड करते हो तो ठीक है, आप डेली वीडियो अपलोड करो, हफ्ते में एक बार वीडियो बनाते हो तो हफ्ते में एक बार अपलोड करो या तीन दिन में करो। ठीक है, मतलब आपको जो कंटिन्यूस है वो बनाए रखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो अपलोड कर दिया हो दूसरे महीने वीडियो अपलोड करो, ऐसा नहीं है तो आपके चैनल वो डूब जाएगा, कोई व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट कि आपको कंटिन्यू वीडियो बनाना है एंड ठीक है, अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं तो ठीक है एक दो दिन चलेगा, लेकिन आप कंटिन्यू जरूर रखो तभी आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे एंड सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। एंड अगर नया चैनल है तो जो ग्रो करता है धीमे धीमे थोड़ी देर लगेगी तो आपको वेट करना पड़ेगा एंड ठीक है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तभी सक्सेस होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर वीडियो पसंद आएगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।